नमस्कार गुड इवनिंग टू एवरीवन आज का हमारा जो वेबिनार है लाइव वेबिनार वो ब्रिगुनंदी नाड़ी के ऊपर है।, है वो ग्रहों के कारक तत्वों पर आधारित होती है दूसरा दो ग्रहों की युति पर आधारित होती है तीसरा पॉइंट ट्राइन थ्योरी इसमें चलती है ठीक है आप चैट निकाल करके बैठिए मैं आराम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा ठीक है सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं राजीव सानी सानी एस्ट्रोकॉस्मिक से मेरा मेन जो रहा है वो कंसल्टेंसी रहा है पिछले चौबीस साल से और मैं तीन सवा तीन साल से पढ़ा रहा हूं ठीक है तो मैं अपनी क्लास में भृगुन नंदी नाड़ी में ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी अपनी कुंडलियां लेकर के बैठिए तभी आप सीख पाएंगे बारीकी से मेरे साथ डिस्कशन करके आप आगे बढ़ पाएंगे क्लियर सिंपल सी चीज आपने समझनी है और इसको समझ कर ही आप आगे चल पाएंगे <coughs> अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं भिगुनंदी नाड़ी का जो है आप चार्ट खोल के बैठिएगा और तभी आपको अच्छे से समझ आएगा हम्म <coughs> एक सेकेंड हाँ, चार्ट आ गया अब आप देखिएगा और मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको ताकि आप अच्छे से सीख पाए ये मेरा उद्देश्य रहता है ये बैच स्टार्ट होगा सात अक्टूबर 2024 को मंडे यानी और इसका टाइमिंग रहेगा एट टू नाइन पीएम मंडे टू फ्राइडे और डेली क्लास होगी टेन क्लासेस का ये रहेगा टेन क्लासेस का है ये कोई इसके बाद एडवांस नहीं है कुछ नहीं है यही सब कुछ है टेन क्लासेस के अंदर आपको जो है ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी और मैं आपको अपनी पीडीएफ बुक दे दूंगा मैं अभी दिखाता हूं पीडीएफ बुक मैं आपको पीडीएफ बुक हैंड हैंड ओवर कर दूंगा पीडीएफ बुक फी इसका फाइव जीरो डबल वन है टेन का नाड़ी। आप ग्रहों से उंगलियों पर बात कर सकते हैं वो है ब्रिगुनंदी नाड़ी आपको काफी कुछ सिखाएगी आपको बहुत कुछ समझाएगी चलिए अब हम शुरू करते हैं भृगुनंदी नाड़ी को समझने के ऊपर बिघु नंदी नाड़ी के अंदर चंद्रमा इसकी आत्मा चंद्रमा जहां बैठेगा बैंड बजाएगा सीधा सा मतलब याद रखिएगा यहाँ ग्रहों के कारक तत्व इंपोर्टेंट रखते हैं बहुत तगड़ी वाली चंद्रमा कुंडली को बहुत परेशान करता है आप चाहे भगवान श्री राम जी की कुंडली देख लीजिए बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठे थे चंद्रमा बहुत पीड़ा देता है ब्रिगुनंदी नाड़ी से हमें चंद्रमा समझ में आता है नाड़ी त्रिकोण पर आधारित होती है ट्राइन थोरी पर जैसे एक पांच नौ इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण मैंने ऐसे लिख दिया दो छे दस आर्थ त्रिकोण और तीन सात ग्यारह ये काम त्रिकोण है अर्थात मेरी इच्छाओं की पूर्ति चार आठ बारह मोक्ष त्रिकोण है मोक्ष त्रिकोण अगर मान लीजिए किसी का बुद्ध यहां बैठा है शनि यहाँ बैठा है तो बुद्ध और शनि की युति मानी जाएगी ये भ्रिगुनंदी नाड़ी है भ्रिगुनंदी नाड़ी जो है वो दो ग्रहों की युति पर आधारित है जो दो ग्रहों की युति एक भाव में होती है उनको हम डिग्री से पढ़ते हैं किससे पढ़ेंगे डिग्री से चार ग्रह बैठे हैं तो दो का पेयर बनाकर हम उनको पढ़ेंगे दो दो करके जिन्होंने ट्वेल्थ में मैथ पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आराम से समझ आ जाएगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है <clears throat> बहुत इजी चीज है बृगुनंदी नाड़ी फिर से बता रहा हूं ट्राइन थ्योरी पर है मैंने इसे हाल ही में देखा और समझा क्या समझा कि जो ग्रह लगन में पंचम में नवम में बैठे हैं वो है धर्म त्रिकोण अगर उसमें बैठे ग्रह की दशा आ जाए तो उस ग्रह का अर्थ ये है नाड़ी ये कह रही है कि आपको धर्म का पालन करना है आप बुक्स पढ़िएगा नहीं मिलेगा यह लिखा हुआ। अगर आपके दो छे दस में ग्रह बैठे हैं और उनकी दशाएं हैं तो आपका फोकस अर्थ यानी धन कमाने पर रहेगा सिंपल सी बात आप समझ लीजिए जो भी ग्रह बैठा है मान लीजिए अभी मैंने यहाँ बुद्ध बिठाया था तो बुद्ध का ये भाव पास्ट है ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है बुद्ध का तीन तत्व आएंगे क्या आएंगे बुद्ध का बारवा भाव उसका पास्ट है वर्तमान भाव उसका प्रेजेंट है और नेक्स्ट भाव उसका फ्यूचर है किसका ग्रह का ऐसे ही सभी ग्रहों को आप देखेंगे सिंपल सी बात है अब क्या होता है कि नाड़ी के अंदर बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है बृहस्पति शुक्र बुद्ध और शनि यहां जो है ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बुद्ध क्या है बृहस्पति क्या है जातक शुक्र क्या है धन बुद्ध क्या है व्यापार और शनि क्या है करम ये बहुत बड़ा करोड़पति योग होता है अब कुछ केसेस में ये लोगों के पास है और नहीं है मैं अभी सिद्ध कर देता हूं कैसे मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ बैठा है बृहस्पति है लो जी उसका बुद्ध भी बृहस्पति शुक्र शनि है ठीक है और इसके त्रिकोण में बैठ गया कौन बैठ गया आ... बुद्ध को यहां बिठा देते हैं ये भी युति मानी जाती है यह या यहां बिठा लीजिए बुद्ध को इसके त्रिकोण में ये नहीं दे पाएगा करोड़पति योग ध्यान से देखा शुक्र नीच का यहाँ पर हाँ ये बहुत सुंदर राजयोग है याद रखिएगा नाड़ी के अंदर बहुत सुंदर राजयोग है अब नाड़ी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है राशि ग्रह भाव इनको समझना जरूरी है अब देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक सेकंड रुकिएगा ऐसे वो नहीं आएगा आ, हुँ, अब आएगा एक सेकंड हाँ ये देखिए ये आपको मिलेगी पीडीएफ आपको इसमें चैप्टर है सारा राशियों पर ही देख लीजिए चौदह चैप्टर है राशि एंड कॉजेज ऑफ डेथ ये देखिए ग्रहों के ऊपर चैप्टर हैं कितने सारे आपको सारी चीज रेडीमेड मिलेगी जिसपे मैंने बड़ी मेहनत करके ये बुकलेट तैयार करी है ये आपको बुकलेट मिलेगी इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको 107 पेज हैं, 43 चैप्टर्स है, चैप्टर 107 पेज की आपको ये हैंड हो जाएगी सारा कुछ इसके अंदर इससे बाहर कछु नहीं है आ जाइए, अब मैं आपको नाड़ी पढ़ाता हूँ और अपनी कुंडलियां खोल लीजिएगा और देखिएगा कैसे वर्क करते हैं ग्रहों को कैसे पढ़ना होता है अब वो पढ़ना आपको अब मैं सिखाने जा रहा हूं अब आप इसको सीखिएगा एक सेकेंड हाँ आ गया किसी ने ज्वाइन करना हाँ आ जाइए अब सीखते हैं ग्रहों की युति कैसे पढ़ी जाती है कैसे समझी जाती है इसमें जब दो ग्रह बैठे होते हैं जैसे मान लीजिए शुक्र और राहु तो इनको जब पढ़ा जाएगा वो डिग्री के आधार पर पढ़ा जाएगा अब मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं मान लीजिए शुक्र आपका जो है अट्ठाईस डिग्री का है राहु है आपका अठारह डिग्री का तो शुक्र डिग्री में ज्यादा है कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे बाप दादा के पास बहुत पैसा है हाँ है ना ठीक बोल रहा है क्योंकि शुक्र डिग्री में ज्यादा है राहु से तो इसका अर्थ है दादा के पास पैसा है ये मैंने मेटीरियलिस्टिक पढ़ा दिया पैसा बढ़ाया अब इसको मैं पलट देता हूं ये दादा है शुक्र पत्नी है दादा की पत्नी फिर से बता रहा हूं जो लोग लास्ट में अभी ज्वाइन किए आराम से सीखे नाड़ी बहुत इजी है मैं बड़े आराम से बताऊंगा शुक्र और राहु की युति है राहु दादा है शुक्र पैसा है मेटीरियलिस्टिक पढ़ रहे हैं पहले डिग्री में ज्यादा है राहु से तो दादा के पास पैसा है दादा पैसे वाला है हो गया दूसरा शुक्र पत्नी दादा की पत्नी अब आप कहोगे जी इससे मेरा क्या लेना देना मेरे बारे में भी तो बताओ आपकी पत्नी इंटर इंटरकास्ट मैरिज आप करेंगे बात क्लियर लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है आपके लिए दादा के लिए नहीं आपके लिए जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा आपकी पत्नी बीमार होगी राहु परेशानियां दे देगा भैया किसको वाइफ को उसके हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे जैसे जैसे पैसा आप ज्यादा कमा आपके लिए ये देखिए मैंने दो ग्रहों से काफी कुछ आपको समझाने का प्रयास किया सिंपल सी चीज है अगर ये उल्टी हो युति मान लीजिए शुक्र आपका जो है 18 डिग्री का है राहु जो है अट्ठाईस डिग्री का है तो क्या है दादा के पास पैसा नहीं है दादा गरीब थे भैया सिंपल सी बात है दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर के आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे ये तो पक्का है फिर क्या होगा कि आपकी पत्नी शादी से पहले भी ठीक नहीं रहती थी हेल्थ विवाह के बाद भी ठीक नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी राहु शुक्र से डिग्री में ज्यादा है तो वाइफ की हेल्थ ना तो विवाह से पहले ठीक थी ना विवाह के बाद ठीक होने की सिंपल सी बात अब आगे चलते हैं इसी चीज को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं सूर्य और शुक्र ले लेते हैं अभी हमने राहु से लिया सूर्य और शुक्र ले लिया सूर्य है मान लीजिए 11 डिग्री का शुक्र है 21 डिग्री का मेटीरियलिस्टिक नॉन मेटीरियलिस्टिक सब बताऊंगा आपको सूर्य क्या है पिता शुक्र क्या है पैसा मेरे बाप के पास बहुत पैसा देख लूंगा तेरे को जो डायलॉग मारते हैं ना वो यहां से चेक होगा अब एक और मीनिंग है शुक्र 21 डिग्री का तो शुक्र जो 21 डिग्री का है वो सूर्य को पार करके आया है उसने सूर्य को पार किया है तो इसका अर्थ है वाइफ ईगो उसमें ईगो है अगर आपकी कुंडली में इवन शुक्र पांच नंबर की राशि में बैठा है भाई साहब आप अपनी वाइफ को ना लोकल कपड़े पहना के देख लो ब्रांडेड ही पेन में सूर्य शुक्र की युति जहां भी होगी वाइफ आपकी नॉर्मल कपड़े नहीं पहनेगी शील फॉर ब्रांडेड और उसमें ईगो हो भी होगी मैंने मीनिंग बदल दिया पहले मैंने पिता को लिया पिता की जगह मैंने शुक्र पत्नी को पढ़ना चालू कर दिया फिर मैंने पैसे को लेकर के चालू कर दिया अब नाड़ी के अंदर सूर्य पिता भी है पुत्र भी है तो आपका बेटा जैसे ही पैदा हुआ पैसा आ गया क्योंकि पैसा आ गया है डिग्री में ज्यादा है आप अपनी कुंडलियां खोल के चेक कर सकते हैं महाराज कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कुछ नहीं है मीनिंग बदलते चले जाएंगे आ जाइए मैं अब आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं मंगल है शुक्र है मान लीजिए शुक्र सत्रह डिग्री मंगल सत्रह डिग्री का शुक्र तेईस डिग्री का अब यहां पढ़ने का तरीका देखिए मैं पहले मटीरियलिस्टिक पढ़ा देता हूं मार्स इज द कारका सिबलिंग तो मेरे छोटा भाई पैसे वाला है सिंपल सी बात क्लियर हो गई अब दूसरा मेटीरियलिस्टिक देखिए वेदिक के अंदर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं मेरा रिदम बन जाता है बीच में कई बार मैं लाल किताब या कोई केपी के, के टेक्निक या की टेक्निक वो भी शेयर कर देता हूं स्टूडेंट आप ब्रिलियंसी वाली बात करें ये नहीं है कि मैंने आपको नाड़ी पढ़ा दी तो आप जाइए मेरे स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दी थी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं यार आपने सामने वाली पार्टी के मुंह पर ही बोल दिया यार ऐसे थोड़ी करते हैं और वो इंटरप्रिटेशन उसने हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट दी थी अब आते हैं सत्रह डिग्री का है और शुक्र तेईस डिग्री का है वेदिक से ये प्रॉपर्टी है वीनस नाड़ी में ये भी प्रॉपर्टी है आपके पास पक्का प्रॉपर्टी आएगी कंफर्म स्टैम्प पेपर पे लिख के देना उसे अगर नहीं आ रही तो वो क्लास में पढ़ाऊंगा भैया यही नहीं सारा कुछ दे देना मेरे को दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ये होगा चूंकि शुक्र मंगल को पार करके आया है आपकी पत्नी गुस्से वाली है तो गुस्सा करती है मीनिंग बदलते जा रहे हैं वाइफ पे अलग ले रहे हैं शिवलिंग पे अलग ले रहे हैं पैसे पे अलग ले रहे हैं प्रॉपर्टी पे अलग ले रहे हैं मैं अपनी क्लास में प्रॉपर्टी तीन ग्रहों से पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा मंगल से प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा बुद्ध से प्रॉपर्टी मैंने पढ़ानी है शुक्र से तीन ग्रहों से पढ़ाएंगे तीनों ग्रहों से मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जबकि शुक्र से नाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी देखी जाती है कुछ लोग बुद्ध को लेकर के इससे प्रॉपर्टी देखते हैं पर मैं तीनों से पढ़ाऊंगा और सबसे अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा मैं गारंटी नहीं ले रहा प्रोग्रेशन डिग्री वाइज मैं प्रयास करूंगा कि मेरा कोर्स खत्म हो जाए सबके लाइव चार्ट लेकर इंटरप्रिटेशन की जाएगी प्रोग्रेशन की डिग्री वाइज इसमें ब्रिगु बिंदु भी पढ़ाए जाएंगे आपको आप देखो आपका बीपी यानी ब्रिगु पी से पॉइंट ब्रिगु बिंदु कहां पर है लगन में बैठा मोती दान करके हो टेंथ हाउस में बृगु बिंदु है मोती दान करके हो नाइन्थ हाउस में बृगु बिंदु है मोती दान करके हो आप देखो कहाँ है आपका भगू बिंदु आगे चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इसमें कर्मा अलाइनमेंट भी आप पढ़ेंगे मेरे कर्म कैसे हैं कैसे नहीं हैं और मैं किन कर्मों को करके अपने प्रोफेशन को कैरियर को आगे ले जा सकता हूं कर्म अलाइनमेंट का एक उदाहरण देख लीजिए अब आप इसमें कारक तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए नाड़ी कारक तत्व तो से आप उंगलियों पर रात को नींद में सोते हुए मेरी क्लास में श्री वासुदेव जी थे वासुदेव जी वो ट्रेन में सफर कर रहे थे लोगों की कुंडलियां देख देख के उन्होंने इंटरप्रिटेशन की आके क्लास में शेयर किया सर मैं वो कोई और कोर्स कर रहे थे नाड़ी कर लिया था कि सर मैंने सबकी भविष्यवाणी दी वासुदेव जी ने कहा और वो बिल्कुल एक्यूरेट निकली अच्छा लगता है आप शेयर करिए क्लास में आप भैया अपनी कुंडली के साथ अपने पूरे खानदान की कुंडली लेके बैठो ना जब आप सीख रहे हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखो वो कौन सा सीखना हुआ आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करता हूं शनि है और केतु है अब नाड़ी में केतु के बहुत सारे मीनिंग है जो पढ़ने होते हैं इसकी पीढ़ी अब आपको मिल जाएगी केतु क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं जैसे सूर्य पिता का कारक है। आपको पता है पुत्र का कारक है नाड़ी में सरकार है आपकी ईगो है आपका सम्मान है चंद्रमा जो है बैंड बजाता है। चंद्रमा नाड़ी में माता है चंद्रमा नाड़ी में यात्रा है चंद्रमा नाड़ी में फूड है चंद्रमा नाड़ी में पानी है जैसे मैंने फूड पानी का अब ये लो इसी पर मेरा दिमाग चल गया आ गया चंद्रमा और राहु की कुंडली में युति है चंद्रमा 16 डिग्री का राहु 21 डिग्री का अब पूछ लो उससे राहु जो है वो बुरी चीज है या तो आदमी को चाय की लत लगी होगी या उसको जो लत है क्या की कॉफी की हो या दारू की लत हो भैया लिक्विड है ना चंद्रमा राहु है तो ये होगा सिंपल सी बात है तो ये फूड जो है जातक फास्ट फूड खाता होगा चंद्रमा फूड है तो जातक ने ध्यान नहीं दिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि राहु डिग्री में ज्यादा है नूडल्स खाना समझ में आया चंद्रमा राहु पिज्जा बर्गर ये सब चंद्र राहु है मीनिंग बदलता जाएगा तो चंद्रमा माता भी है चंद्रमा नाड़ी की आत्मा है चंद्रमा सबसे खतरनाक ग्रह है क्यों है ये लीजिए इट इज द कारका ऑफ ब्लेमिश कलंक लगा देता है चंद्रमा चंद्रमा कलंक लगाने की शक्ति रखता है उसके बाद आता है सूर्य चंद्र मंगल मंगल जो है हमारा एनर्जी को बताता है सिब्लिंग को बताता है प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा ठीक है अब मंगल आ लिखा मैंने मान लीजिए किसी का शनि यहां बैठा है भाग्य स्थान पे मंगल बैठा है तो ये मंगल इसको टचिंग करेगा स्कूल आप गए थे ना पीछे वाला स्टूडेंट बैठा होता था, था आप अगले बेंच पे बैठे थे वो फिंगरिंग करता था छेड़ता था छेड़ता आपको तो आदमी के प्रोफेशन में तंग करने वाला पीछे ग्रह बैठा हुआ उसका परम शत्रु बैठा है जब क्लास में आएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा इसे कहते हैं धक्के खाने का राजयोग मंगल शनि बस ये बायोडाटा लेके घूमते हैं मेरी हायर सैलरी कम मिलेगी आप चेक कर लो जिनका मंगल शनि इकट्ठा बैठा होगा उसको पहली जॉब कम सैलरी की एक्सेप्ट करनी पड़ी थी और सारी जिंदगी बायोडाटा बनाएंगे मेरे को सैलरी अच्छी मिल जाए बात खत्म उसके बाद आता है बुद्ध बुद्ध वाणी है व्यापार है कम्युनिकेशन है ये सारी चीजें भी बताएगा साधारण पॉइंट में बता रहा हूं जब कारक तत्व आप पढ़ेंगे आपको 20 20 25 25 कारक तत्व तो लिखे हुए मिलेंगे उसके बाद आता है बृहस्पति बृहस्पति भ्रिगुनंदी नाड़ी में जाता को रिप्रेजेंट करता है इधर मेल और फीमेल हमें उससे लेना देना नहीं जुपिटर भाग्य को बताता है आपकी ब्लेसिंग के बारे में भी बताता है दो पॉइंट जुपिटर आप है जुपिटर आपकी ब्लेसिंग भी है ठीक उसके बाद शुक्र है शुक्र क्या बताएगा पैसा बताएगा आपका आपकी पत्नी है आपकी प्रॉस्पेरिटी है उसके बाद आ जाता है शनि शनि आपके कर्मों को बताएगा राहु केतु ये भाई साहब प्रॉब्लमेटिक ग्रह हैं बैंड बजाने बे वाले तो प्रॉब्लम ही देनी और तो देना कुछ नहीं है ठीक है हम बात कर रहे थे शनि केतु की तो ऐसे ही मेरा रिदम बन जाता है तो मैं रिदम में कुछ का कुछ पढ़ा देता हूं आ जाइए अब शनि केतु वाले क्या होता है केतु क्या है केतु एडवोकेट है केतु क्या है धर्म है अरे भैया अगर आपके बच्चे की कुंडली में शनि केतु की युति है उसे एडवोकेट बनाइए लॉ पढ़ाइए अब होता क्या है कि शनि केतु वाले जो भी लोग आते हैं सब कुछ लुटा के सनम एस्ट्रोलॉजी में है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा फॉर एस्ट्रोलॉजी शनि केतु शनि बुद्ध ये एस्ट्रोलॉजी के योग हैं बहुत सुंदर शनि बृहस्पति ये बड़े सुंदर एस्ट्रोलॉजी के योग हैं बुद्ध केतु एस्ट्रोलॉजी के योग है बड़े अच्छे आप अपना प्रोफेशन किस दिशा में चाहते हैं या कहा करना है वो पता लग जाए ऐसे लोग जब भी व्यापार करेंगे व्यापार में उनको पीड़ा रहेगी ही रहेगी सीधी सी बात है तो आपने व्यापार करते हुए सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा अब एक बड़ी सुंदर है बात मान लीजिए अब आप अपनी कुंडलियां खोलिए देखिए क्या है आपकी कुंडली में मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है बृहस्पति यहां बैठा है या मान लीजिए सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं नाड़ी में ट्राइन में ये ग्रह कंजक्ट माने गए हैं सूर्य बृहस्पति अब ये कंजक्शन माना जाएगा या ये पहले से है तो ये पक्का है नेम के में आपकी कुंडली में है तो हो सकता आपके पिताजी को समाज में ज्यादा लोग जानते हैं सूर्य पुत्र भी है तो आपके बेटा जो है समाज में नाम कमाएगा ऐसा नहीं है आपके लिए भी कुछ नहीं है आप भी कमाओगे भैया देखो सूर्य निकलता है ना तो धरती पर प्रकाश आया क्योंकि तो कारक तत्व तो पता होने चाहिए तभी तो भविष्यवाणी कर पाओगे बृहस्पति ब्लेसिंग है बस बन गया काम प्रकाश को ब्लेसिंग मिलेगी और ये जातक भी है जाता को प्रकाश प्राप्त हुआ इस प्रकार से हम चलेंगे और बारीकी से इसको समझेंगे अब आ जाता है मेरे पास कंसर्टेंसी के लिए कुंडली आई उसके बच्चे के ना टेंथ हाउस में शुक्र चंद्रमा थे एक दूसरी कुंडली आई शुक्र यहां था चंद्रमा यहां था अब आप पढ़िए चंद्रमा माता है यानी सासू माता शुक्र क्या है बहु रानी तो मैं बोलता हूं सास बहू का झगड़ा सिंपल सी बात आप सास बहू का झगड़ा समझ गए इकट्ठे बैठे हैं सामने बैठे हैं चलिए अब इसको ऐसे पढ़ते हैं चंद्रमा और शुक्र मैंने डिग्री से पढ़ा दिया बिना डिग्री के भी पढ़ लो यार जरूरी है डिग्री से पढ़ना है सारा बिना डिग्री के भी इंटरप्रिटेशन होती है शुक्र क्या है पैसा चंद्रमा क्या है खर्चा भैया पैसा आपको मुंह दिखाई के लिए आता है आने के साथ ही बाहर जाने का रास्ता तय है पैसे क्योंकि तो चंद्र शुक्र इकट्ठे बैठे हैं आपकी कुंडली सीधी सी बात है दूसरा चंद्रमा माता शुक्र पैसा चंद्रमा दस डिग्री का शुक्र 16 डिग्री का तो आपकी माता के पास प्रॉपर्टी पैसा सब है अब मैंने डिग्री भी लगा दी पहले मैंने बिना डिग्री के पढ़ा दिया फिर तो मैंने डिग्री से भी पढ़ा दिया आपको हर एंगल से पढ़ना आना चाहिए ग्रहों को ग्रहों के कारक तत्व तो अगर आपको समझ में आएंगे तब तो बहुत बढ़िया है अगर कारक तत्व तो नहीं समझ में आए तो खराब है अब आप देखिए मान लीजिए अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा बुद्ध शुक्र बृहस्पति शनि ये बहुत बड़ा करोड़पति योग है इस योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग क्लियर है मान लीजिए किसी की कुंडली में आ, बुद्ध शुक्र बैठे हैं यहां बैठे हैं कहीं भी ढालो यार अब आपकी कुंडली में पूर्ण योग तो है नहीं पर यार कभी तो बनेगा ना ऐसे कैसे होगा नहीं बनेगा मान लीजिए बृहस्पति ट्रांजिट का आ गया तो ये युति हो गई और ट्रांसिट के अंदर शनि यहां अब ये करोड़पति हो गया। इस गोचर तक बृहस्पति एक साल के लिए रहेगा शनि भगवान ढाई साल के लिए रहेंगे मेन जो है हमने वन ईयर यहां और शनि का एक साल यहां ले लेंगे क्योंकि फिर जुपिटर है इधर चला जाएगा ना जी वो ट्राइन से बाहर हो जाएगा क्लियर अब क्या है ये खूब धन धान्य प्राप्त करेगा भाई साहब तरक्की योग हो गया परंतु क्या है बहुत सारे लोग लिख देते हैं चैनल पे सर मेरे पास तो नहीं है भैया राशि इंपॉर्टेंट है जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा राशि तुरुप का इक्का है रात दस बजे क्लास में मैं राशि का वहां अलग मीनिंग समझाऊंगा वो वेदिक एंगल है नाड़ी में एंगल अलग है भैया राशि का मीनिंग अलग है अब आप देखो मैं एक चीज बताता हूं चलिए बड़ी सुंदर चीज को मैं सिखाता हूं सपोज अब आ जाइए हाँ हमने एक कन्या लगन ले लिया शुक्र यहां बैठा है क्लियर बुद्ध यहां बैठा है मान लिया बृहस्पति यहां बैठा है लिया। और ट्रांसिट का शनि आया वो अलग चीज है हो गया करोड़पति योग आप कहेंगे नहीं नहीं कमी है इस योग में क्या कमी है शुक्र नीच का हुआ और अपनी मूल त्रिकोण राशि से बारवा भी है योग कमजोर हो गया जो ये ग्रह योग बना रहे हैं कौन से योग बना रहे हैं बुद्ध शुक्र बृहस्पति शनि मान लीजिए इस योग में बृहस्पति नीच का है उतना बढ़िया नहीं जाएगा या मान लीजिए शनि नीच का है तो वो योग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जाएगा ये समझना है आपने केवल ऐसे बोल देने से कि बुद्ध शुक्र राहु बृहस्पति आपको करोड़पति बना देंगे ऐसा नहीं है भैया राशि देखिए वो अपनी राशि से षडाष्टक लेकर के बैठा है तो ये योग कमजोर हो जाएगा क्षणाष्टक नहीं होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान देने हैं अब आगे चलते हैं और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं कुंडली में लगा रहा हूं और आप देखिएगा अब आइए मंगल और राहु फिर ले लेते हैं राहु ले लेते हैं मंगल और राहु मंगल क्या है सिबलिंग छोटा भाई राहु क्या है पीड़ा अब मान लीजिए एक परिवार में दो बेटे थे बड़ा बेटा तो ग्रो कर रहा है छोटा बेटा जिंदगी की जंग लड़ रहा है कैरियर नहीं बन रहा सिंपल सा है घर से दूर चला जाए राहु लॉन्ग डिस्टेंस है दूर जाते इसका कैरियर बन जाएगा सिंपल सी बात है यार इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या पढ़नी है हमारे को अब आ जाइए आपको मैं बताता हूं अब राहु केतु समझाता हूं राहु केतु समझिए वो जो इंजेक्शन होता है ना ये जो सुई होती है वो केतु है राहु मेडिसिन केतु आपको पीड़ा देगा क्योंकि पीछे राहु है तो पीड़ा से मुक्ति का कारक बनेगा दवाई है ना देखो केतु का मीनिंग बदल गया राहु का मीनिंग बदल गया मीनिंग बदलते जाएंगे आपको ग्रह पढ़ने आने चाहिए परिवार के अंदर तो ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं आएगा अब आ जाइए <clears throat> मेरा कर्म मान लीजिए पांच नंबर की राशि कहीं पे भी है फिलहाल मैं यहां रख लेता हूं पढ़ाने के लिए शनि बैठा है राशि किसकी है गवर्नमेंट की शनि क्या है कर्म तो पॉसिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट जॉब हो सकती है अब आप ध्यान से सीखिए मैंने अपनी क्लास में बहुत लोगों से पूछा सूर्य यहां बैठा है शनि यहां बैठा है नाड़ी की बुक पढ़ेंगे तो देख की गवर्नमेंट जॉब है पर मैंने अपनी रिसर्च में पाया तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें पहला आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं आप नहीं हो तीसरा पिता भी है तो पुत्र भी सरकारी कर्मचारी है पर ज्यादातर मुझे ये कॉम्बिनेशन मिला पिता है पुत्र नहीं जाओ। है गवर्नमेंट जॉब सिंपल जी बात है बुद्ध नाड़ी के अंदर फ्रेंड को बताता है बुद्ध फ्रेंड को बताता है गर्ल के लिए ये बॉयफ्रेंड है मेल के लिए ये गर्लफ्रेंड है सीधी बात नौ बकवास अब मान लीजिए किसी की कुंडली में बुद्ध के साथ शुक्र बैठा है शुक्र क्या है पत्नी तो यहां आपने बॉयफ्रेंड नहीं पढ़ना भाई साहब वो क्लास में समझाऊंगा कौन सा वाला बॉयफ्रेंड पढ़ना है फिलहाल पत्नी की बहुत सारी सहेली हैं सहेलियों का जमा पड़ा है फ्रेंड भी है देखो बॉयफ्रेंड भी है गर्लफ्रेंड भी है और ये फ्रेंड भी है जो मैंने ऊपर लिखा है तो उसकी बहुत सारी सहेलियां होंगी सिंपल सी बात है अब आज ये चंद्रमा और शनि की युति को नाड़ी से पढ़ते हैं चंद्रमा माता शनि स्लो आपकी माता हार्ड वर्किंग है काम करती है स्लो करेंगी सीधी बात कितना इजी हो गया आपके लिए ठीक है आगे चलते हैं अब आते हैं शुक्र शनि की युति पर आपकी कुंडली में है आपको वर्किंग बीबी मिलेगी क्योंकि शनि कर्म है भाई जॉब है या बिजनेस आपको वर्किंग बीबी मिलेगी हो गया मेटीरियलिस्टिक और ह्यूमन का भी हो गया शुक्र क्या है पत्नी ये क्या है स्लो ये मैंने बिना डिग्री के कहा डिग्री से भी कर दू दस है ये बारह डिग्री तो भैया पत्नी पर आप गुस्सा नहीं करो वो चाय आपको पंद्रह से बीस मिनट में देगी आप सीधी आवाज लगाओ जी अभी चाय चाहिए अरे यार वो नहीं दे सकती तुमको अभी चाय शनि है साथ के शुक्र में आपकी कुंडली में आपको वो वाली पत्नी मिलेगी जो स्लो है अब मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी चीज युति बताता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी अरे आ जाता हूं तू क्यों ना करे कर रहा हाँ, मंगल शुक्र नाड़ी कहती है सात जन्मों का साथ ये पति पत्नी पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे सभी लाल किताब आप च... सॉरी नाड़ी चेक करिएगा बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा इस पर मैंने रिसर्च करी मेरी पहली स्टूडेंट थी जालंधर से कुलदीप कौर जी शी कंफर्म द क्लास फिर मैंने ये दो चार लोगों से और पूछा क्योंकि मेरा खुजली है मेरा पैशन है दीवानगी है मैं रिसर्च करती। ये पति पत्नी है पूर्व जन्म के ये लव मैरिज भी है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है सभी हो गए पर जैसे ही मेरी डेमो क्लास में एक 45 साल के व्यक्ति थे उन्होंने कंफर्म कर दिया डेमो में ही उन्होंने बोल दिया आई सैल्यूट डेट पर्सन के उन्होंने डेमो में स्वीकार लिया ये युति वो पैंतालीस के थे मैं इसको कहता हूं पचास की एज के बाद पति पत्नी अलग अलग कमरे में रहेंगे एक किस्म से तलाक हो चुका है एज फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव द एज पर मैंने इसलिए फोर्टी फाइव लिखा कि एक सज्जन आए डेमो में बोल दिया ये बिना तलाक के तलाक का योग है जबकि ये सात जन्मों के पति पत्नी है नाड़ी की किताबों में लिखा सो आई वन फॉर्मूला जो नाड़ी के अंदर मुझे क्लास में पढ़ाना है वहां से मुझे ये पता लगा अरे यार ये तो इनडायरेक्ट तलाक का योग भी है अब आ जाइए केतु शुक्र को पढ़ाता हूं आपको वही पत्नी मिलेगी जिसको पूर्व जन्म में उस स्त्री को आपने पीड़ा दी थी वही पत्नी आएगी आपको इस समय आपको पत्नी सुख है नहीं क्योंकि इसलिए नहीं है कि आपने पीड़ा दी केतु क्या है धर्म है केतु क्या है कोर्ट है या तो आप कोट मैरिज करेंगे या पंडित जी को बुला के फेरे करेंगे अब केतु ने तो अपना काम वहां वाला धर्म वाला कर दिया ना अब बैंड बजाने वाला काम करेगा क्योंकि राहु केतु और शनि ये कार्मिक डेट्स वाले प्लेनेट हैं वट एवर कैरी द कार्मिक डेट्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट है सो ये आपके साथ अब घटना है आपने पंडित जी से मंत्र परवा लिए उसके बाद केतु कहेगा आजा बेटा कोट कचहरी चल धक्के खा वहां पर मैं जो डायलॉग मारता हूं अपनी क्लास में मंगल शनि धक्के खाने का राजयोग केतु शनि धक्के खाने का राजयोग इफ इज इज हैविंग इन कुंडली ही डूइंग एस्ट्रोलॉजी सो धक्के खाने का राजयोग बंद हो गया बिकॉज वो काम ही दोनों ग्रहों का कर रहा है दोनों ग्रह सेटिस्फाइड है अदरवाइज ये धक्के खाने का राजयोग है तीसरा राजयोग है चंद्रमा शनि धक्के खाने का राजयोग ये धक्के खाने वाले राजयोग लेकिन ये राजयोग उत्तम भी होते हैं वो क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा कि कैसे इसको आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करेंगे क्लास। हाउ टू कन्वर्ट इट इन टू वे प्रोग्रेशन मुझे आपको डिग्री वाइज पढ़ाना है अब जैसे आपकी कुंडली में बारहवें घर में बृहस्पति बैठा है तो बारह साल यहाँ के फल देगा बृहस्पति फिर बारह साल यहाँ पर फल देगा फिर 12 साल यहां के फल देगा बृहस्पति दिस इज बींग प्रोग्रेशन बट आई टीच यू द डिग्री वाइज विच गिव यू दूरेसी अच्छा प्रोग्रेशन के अंदर क्या है नंबर एक ए पार्ट अगर मार्गी ग्रह है तो प्रोग्रेशन का नियम डिफरेंट है अगर ग्रह वक्री है तो प्रोग्रेशन का मीनिंग डिफरेंट होगा सदैव याद रखना है अपने प्रोग्रेशन के अंदर सीधी सी बात है अब एक और चीज होती है अब किसी की कुंडली में मंगल शनि केतु ये शादी होने में बहुत पीड़ा देते हैं हो जाए तो वो शादी का सुख तो है नहीं मैं तो सीधा ही कहता हूं भैया छड़ा ही रहे तो सुखी रहे सीधी बात ये सदैव याद रख अब क्या है कि नाड़ी की सभी किताबों में लिखा है दिस इज बीइंग कॉल्ड लंगोट योग परंतु मैंने पाया है कुछ लोगों की शादियां तो हुई है पर नाड़ी की तो बुक लिख रही है कि लंगोट योग है शादी का कारक ग्रह शुक्र देखिए ये कारक है अगर कारक पीड़ित नहीं है तो शादी हो जाएगी अगर कारक ही नीच का बैठा हुआ है कुंडली में अब छड़ा ही हो गई अब रहा अब आपकी शादी में क्यों तो कारक भी पीड़ित हो गए ना या पापकत्री में चला जाए कारक तो भी दिक्कत आ गई ये भी समझ में है चलिए अब मैं आपको मेन चीज पर लाता हूं जुपिटर एंड मून मान लीजिए जुपिटर बारह डिग्री का है ये सोलह डिग्री का है कोई डिग्री ले लीजिए हमें तो डिग्री से भी पढ़ना बिना डिग्री के ये कौन हुआ जातक जा हुआ ये क्या हुआ ट्रेवलिंग खूब सारी ट्रेवलिंग करेगा इस जन्म में भगवान श्री राम की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा अयोध्या से चले थे श्रीलंका तक गए थे भाई साहब उससे पहले वो आ, गुरुकुल में पढ़ने गए थे वो भी ट्रेवलिंग है उस उसके बाद विश्वामित्र जी आए बोले जी ताड़का तंग कर रही है चलिए हमारे साथ चल दिए तो ये सारी जिंदगी ट्रेवलिंग है अब आज ये मीनिंग बदल देता हूँ जुपिटर सॉरी चंद्रमा फूड जुपिटर सात्विक ऐसा जातक सात्विक अन्न ग्रहण करेगा उल जुलूल अन्न नहीं खाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देगा भाई साहब मैं नहीं खाऊंगा जुपिटर सातवी ग्रह है और चंद्रमा अन्न है फूड है तो वो सात्विक अन्न पिएगा आपकी कुंडली में जुपिटर चंद्रमा है देखिए आपने घर में गंगा जल तो नहीं रखा हुआ तो गंगा जल भी है जुपिटर मून क्या है गंगा जल भी है भाई सब तो आपने हो सकता है गंगा जल रखा हो घर के अंदर तो ये चीजें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी मैरिज है जॉब है प्रोफेशन रोग है अच्छा रोग तो मैंने पढ़ाया नहीं आइए रोग पढ़ाते बहुत सारे पॉइंट है मेरे दिमाग में नहीं है नहीं तो अभी मैंने खोला नहीं मैं भूल गया कि आपको आ, सारा वो खोल के दिखा देता अब मान लीजिए मंगल और राहु है अभी मैंने बताया था ना छोटा भाई दूर जाएगा तो सेट हो जाएगा अब भैया आपकी कुंडली में आपको क्या तंग करेगा दिस इज बिंग अनइवन टी नाड़ी की किताबों ने में लिखा दांतों में दिक्कत अगर आपकी कुंडली में है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे ही जाएंगे क्लियर सीधी सी बात अब आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुद्ध है तो आपको स्किन या टॉन्सिल या टॉन्सिल में इन्फेक्शन ये सब होता रहेगा तो रोग भी पड़ेंगे बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर पाया अब आपको एक परिवर्तन योग सिखाता हूं बड़ा सुंदर लास्ट में परिवर्तन योग देखना मजा आए तो मुझे कहना जिस किसी को भी कोई क्वेरी हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं बट उसके लिए कैमरा ऑन करना होगा अब मान लीजिए किसी का मेष लगन था सूर्य शुक्र और चंद्रमा पांच नंबर लिखा है यहाँ गुरु और केतु तो ये राशि परिवर्तन योग बना गुरु और सूर्य से तो चूंकि पंचम भाव में गुरु केतु है तो जातक तपस्वी बना ठीक अब मैंने क्या करा गुरु को उसके घर भेज दिया गुरु यहाँ गया सूर्य को उसके घर भेज दिया सूर्य यहां गया जुपिटर आया जुपिटर कौन है जातक शुक्र कौन है स्त्री चंद्रमा कौन है स्त्री भाई साहब सारी जिंदगी जब तक करके स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया नाच पिट गया जब तक का राशि परिवर्तन योग था अगले का खूब सारा तब करा तब करने के बाद औरतों की संगत में चला सिंपल सी बात है अब आपको बड़ी सुंदर सी एक और चीज बताता हूं आप सीखो इसको मान लो कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा है राहु यहाँ बैठा है क्लियर अभी शुरू शुरू में जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो ट्राइम थोड़ी पढ़ाई थी आपको सूर्य है सूर्य के अगले घर में राहु है तो पिता के परिवार में राजनीति बोलो तो घर में ही राजनीति हो रही है भाई साहब के क्योंकि सूर्य के नेक्स्ट हाउस में राहु बैठा है अब दो छे दस है ये दूसरा भाव है ये छठा भाव है अब मैं इस राहु को यहां रख देता हूं राहु पिता के गुप्त शत्रु यहां राहु का मीनिंग बदल गया अब दो छे दस है ना ट्राइन पूरा करना है राहु यहां आ गया पिता के ऑफिस पिता के कैरियर में कुलीक बड़ी राजनीति करते हैं पिता की पीठ पीछे निंदा करते हैं ये मीनिंग आ गया मेरी धनता चला गया हमारा सिंपल सी बात है तो किस तरीके से कैसे हमें समझना है वो भी है अब एक और अच्छी चीज बताता हूं मान लीजिए आपका दो छे दस ट्राइन में कोई ग्रह नहीं है कोई ग्रह नहीं है मैंने कहा दो छे दस ट्राइन में नो प्लेनेट अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं एक पांच नो भाव में कोई ग्रह नहीं है तीन सात ग्यारह में कोई ग्रह नहीं किसी ट्राइन में नहीं होंगे ना ग्रह तीनों भावों में ग्रह नहीं है तो आपके कैरियर में स्टेबिलिटी I said stability will come after the age of thirty six. तीस के बाद आएगी मेनली तो फिर से समझिए किसी भी ट्राइन में कोई ग्रह नहीं है मान लीजिए ये दो छह दस में कोई ग्रह नहीं बैठा तो आपका कैरियर तीस की एज के बाद स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा अगर मान लीजिए आप कहते हो मेरे लगन पंचम या नवम में कोई ग्रह नहीं है तो कैरियर में स्टेबिलिटी तीस परंतु मैंने पाया है छत्तीस के करीब आकर के स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है छह साल और लगते हैं उसको बात समझ में आई अब अगले पॉइंट पर चलते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया शनि के पीछे मंगल है तो मंगल फिंगरिंग कर रहा है शनि को तो मंगल क्या है एक्सरसाइज हाँ तो सुबह चले जाना पार्क में एक्सरसाइज कर लो योगा कर लो जिम कर लो जो करना है कर लो उससे क्या है आपको बेनिफिट हो जाएगा कैरियर में क्यों क्योंकि शत्रु ग्रह बैठा है ना पीछे शनि के शत्रुग्रह बैठा है तो शत्रुग्रह का सेटिस्फेक्शन वाला काम करो ना यार बात खत्म हो गई मुद्दा खत्म इस तरीके से आपने पढ़ना है ना अब इसमें क्या है नाड़ी में सबसे बड़ा योग होता है बृहस्पति और शनि का जिसको कहते हैं धर्मा राज योग। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है नाड़ी के अंदर क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष कुंडली से नवम भाव का स्वामी है और शनि दसवें भाव का स्वामी है तो इसलिए इसको धर्म कर्माधिपति राजयोग कहते हैं इस राजयोग में यदि बुद्ध और शुक्र भी जुड़ गए तो आप करोड़पति पैदा हुए हैं भैया धक्के खाने के लिए जन्म नहीं हुआ परंतु आपने देखना है कहीं वो नीच का तो नहीं है इनमें से चारों में से कोई ग्रह नीच का है तो वो योग कमजोर हो जाएगा बस ये समझना है आगे चलते हैं अब ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं कल सात अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट होगा जिसकी जो क्वेरी है अनम्यूट करके मेरे से पूछिए टाइम इसका आठ से नो रहेगा आठ से नो टाइम हो गया और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे ठीक है जी और डेली बेसिस पर क्लास रहेगी टेन क्लासेस का ये कोर्स रहेगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी बुकलेट जो मैंने आपको दिखाई है वो मिल जाएगी पीडीएफ बुक मिल जाएगी और लाइ रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी लाइफ टाइम के लिए फी इसका जो है फाइव जीरो डबल वन ओनली है कोई बेसिक नहीं कोई एडवांस नहीं सब कुछ इसी के अंदर है is anyone who is a query? वो अपनी query unmute कर सकते हैं कैमरा ऑन कर सकते हैं मेरे से पूछ सकते हैं किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं नहीं तो आप क्लास में आइए क्लास में डिस्कस करेंगे चलिए ठीक है मिलते हैं क्लास में हैव ए गुड डे थैंस फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार